सो हेलो ब्रूम फैम्स, कैसे हो तुम सब? आई होप मजे में होंगे। वेल, तुम सबको वेलकम है इस कूल और स्पेशल वीडियो में। और अभी रिसर्च से जो पता लगा है कि फाइनली टीवीएस की एपची आरटीए 310 लॉन्च हो चुका है। और एक खास चीज का पता है, टीवीएस वालों ने इसमें इतने सारे फीचर्स भर भर के डाला है कि कोई भी सब कुछ बताते बताते थक जाएगा यार। तो चलो आओ आज इस डिटेलिंग वीडियो में उनमें से कुछ खास पॉइंट बताता हूँ। और एक चीज, इसका नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताऊंगा वीडियो के बीच में, जो कोई नहीं बताएगा। तो आओ शुरू करते हैं। तो चलो पहले जानते हैं इसके इंजन के बारे में। और इस टीवीएस एपची 310 में वही इंजन डाला गया है जो है आरआर 310 में। और जितने भी 310 सेगमेंट में बाइक है, ये उनमें से सबसे पावरफुल है, जिसका इंजन है 312 सीसी का। और उनमें से जो पावर जनरेट होता है वो है 35 ब्रेक हॉर्स पावर और 28.7 न्यूटन मीटर टॉर्क। सही है यार। और एक गजब की बात सुनो, जब इसको 0-60 किलोमीटर टेस्ट किया गया था ना, तब ये आरआर 310 से 0.12 सेकंड फास्टर था। और इतने सब होने के बावजूद भी ये बाइक आरआर 310 से पूरे 5 किलो वजन कम है, क्योंकि ये वाला बाइक नेकेड बाइक है और भाई वाइजर का तो अलग ही वजन होता है। तो इसलिए यार आरआर 310 थोड़ा मोटा भी है। चलो इस बाइक के कुछ कमाल के फीचर्स को देखते हैं, जिसमें से पहले आता है क्लाइमेट कंट्रोल सीट। और इसको लेने वाला बाइक में से ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑन इन वर्ल्ड बन चुका है। इससे होगा क्या, तुम अपने हिसाब से अपनी सीट का टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। अगर सर्दियों में सर्दी लग रहा है तो गर्म कर लो, और गर्मी में गर्मी लग रहा है तो भाई ठंडा कर लो। काफी कूल फीचर्स है, हाँ की ना बताओ। और अब नेक्स्ट फीचर्स, इसके डायनामिक हेडलैम्प जो आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगी। लाइक जैसे ही तुम्हारा स्पीड 70 से ज्यादा जाएगा, इसका हेडलैम्प का लाइट इंक्रीज होगा। 100 से भी ज्यादा स्पीड हो तो लाइट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे करके जैसे ही तुम्हारी रफ्तार ज्यादा होगा, इसका लाइट उतने भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और स्पीड डाउन होने पर वो अपने आप ही कम होगा। और इससे तुम्हारा रोड का दर्शन भी काफी ठीक ठाक रहेगा। और इसका एक और खतरनाक फीचर है, जिसमें आता है इसका 5 मोड, जिसमें है रेन, स्पोर्ट, R1 ट्रैक, सुपर मोटो मोड। और सच बताओ तो मुझे तो नहीं लगता यार इंडिया में 300 सीसी के बाइक के अंदर 5-5 मोड आता भी है। और मोटो व्लॉगर के लिए खुशखबर भी है इसमें, इसके डिस्प्ले के साथ तुम अपनी GoPro को भी कनेक्ट कर सकते हो। और एक सुपर बाइक का फीचर इसमें है, जिसको हम कहते हैं टायर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो इस बाइक का डिस्प्ले में तुम अपने टायर का प्रेशर भी देख सकते हो। इस बाइक का माइलेज मिलेगा तुमको 30 किलोमीटर प्रति लीटर का। और इस बाइक का रफ्तार टॉप स्पीड, जो कंपनी अभी तक बोल रहा था कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा का, और अभी तक कुछ कुछ बंदे ने इसको 155 तक भी ले चुका है, तो कोई बात नहीं 160 प्लस भी चला जाएगा। इस बाइक का एक और फीचर है कि इस बाइक का पिछले वाला सस्पेंशन तो वो तो एडजस्टेबल था ही, पर इस बाइक में इसका फ्रंट का जो सस्पेंशन है उसको भी एडजस्टेबल कर दिया गया है। इससे फायदा होता है कि किसी भी हाइट का राइडर इसको आराम से राइड कर सकते हैं। मान के चलो कि 5.5 हेड तुम्हारा, तो तुम भी इसको आराम से चला पाओगे। मतलब हुआ ना ये वाला कमाल का फीचर्स। और इस बाइक का टायर जो दिया गया है वो है फ्रंट में 110/70 सेक्शन का टायर, और पीछे एक बल्की सा टायर जो है 150/60 सेक्शन का। तो अब देखो यार, हर सिक्के का तो वैल्यू होता है, तो अब वो चीज जानते हैं जिसको तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। हाँ यार, इसका नेगेटिव साइड के बारे में, तो देखो तुमने अगर इसका सारे फीचर्स जानने के बाद इसको लेने का सोच रहे हो 2.42 लाख में, तो वो इसका बेस ब्रांड का प्राइस है, वो भी ऑन रोड नहीं एक शोरूम का प्राइस, जिसमें आपको ना ही लुक्स ना ही फीचर्स ऐसे क्विक शिफ्टर भी नहीं। इसका बेस ब्रांड को बनाया गया था सिर्फ मार्केटिंग के लिए। दिमाग हिल गया ना? तो अब आते हैं इसके ब्लैक वेरिएंट में। हाँ, इसमें से स्टार्ट होता है क्विक शिफ्टर, और इसका प्राइस अराउंड 2.58 लाख रुपीस एक शोरूम, और एंड में इसका हाईलाइट येलो वाला, और इसका प्राइस है 2.64 लाख रुपीस एक शोरूम। अब ये मत सोचना कि इसमें सारे फीचर्स है, ये भी एक खाली डब्बा ही है। और इनका जो सारे फीचर्स है उसको इन्होंने दो किट में बनाया है, एक डायनेमिक किट और दूसरा डायनेमिक प्रो किट। और डायनेमिक किट का प्राइस है 18,000, मतलब और ज्यादा खर्चा। और इस किट के अंदर तुम्हें मिलेगा फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल सस्पेंशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ब्रास कोटेड चेन। और प्रो वाले किट का कीमत है 22,000। और हाँ, ये वाले किट में जिसमें तुम्हें सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, और डायनेमिक किट का वो तीन वाला फीचर्स भी अलग से मिल जाएगा, और वो क्लाइमेट कंट्रोल सीट का फीचर्स भी इसमें मिल जाएगा। तो अब सब कुछ मिलाकर कीमत जो होता है वो है इसका ऑनरोड 3 लाख और 22,000 का डायनेमिक प्रो किट। तो कुल मिलाकर कीमत हुआ 322,000। वाह टीवीएस वालों, वाह क्या दिमाग लगाया है। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं फिर कोई दो मचाने वाला वीडियो पर। तब तक के लिए लव यू गाइस।